हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिगलबोन ब्लैक के बारे में। देखिए, आप जो मेरे हाथ में यहाँ पे देख रहे हो, इसी को हम बिगलबोन ब्लैक बोलते हैं। इसका कलर ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसका नाम बिगलबोन ब्लैक होता है। अब सबसे पहले आपको इसके बारे में समझना है। इसको हम मिनी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके का कंप्यूटर होता है जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये हमारा विंडो है, यानी कि इसमें विंडो 7 इंस्टॉल है और हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। ऐसी इसके अंदर बिगलबोन के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल आता है, तो हम इसके अंदर लिनक्स पे वर्क करता है। हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन के साथ। जैसे कि सीपीयू क्या है यहाँ पे, ये एक तरीके का कंप्यूटर है। जो भी प्रोसेसिंग होती है वो इसी के थ्रू होती है। असली कंप्यूटर हमारा यही है। और जो आप ये यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्या है, ये स्क्रीन है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। आप इस बिगलबोन को भी कनेक्ट कर सकते हो जिसके ऊपर लिनक्स वर्क करता है, और आप इसको भी सीपीयू को भी कनेक्ट कर सकते हो जिस पर विंडो 7 वर्क कर रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ बिगलबोन के यहाँ पे बारे में। देखिए, जो ये पिन होती है, इस पर 5 वोल्ट हम दे सकते हैं, यानी कि पावर सप्लाई इसको दे सकते हैं। और आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे होगे, ये इसको हम यहाँ पे यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके दो हेडर होते हैं, इसको हम P8 हेडर बोलते हैं, इसको P9, सॉरी फ्रेंड्स, इसको P8 हेडर बोलते हैं और इसको P9 हेडर बोलते हैं। और इसमें इधर की साइड भी 46 पिन होती है और इधर की साइड भी 46 पिन होती है। तो इनकी पिन की फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है। कुछ पिन हमारी इनपुट आउटपुट पिन होती है, कुछ हमारी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पिन होती है, और कुछ पिन हमारी ग्राउंड होती है, और कुछ पिन हमारी और कुछ फंक्शनैलिटी की होती है। देखिए, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा पिन के बारे में, वरना वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मैं किसी अदर वीडियो में आपको बता दूँगा इनकी पिन के बारे में। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रोसेसर का भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पे पुश बटन भी होता है। ये इसको बूट करने के लिए होता है, फ्लैशिंग करने के लिए होता है। इसके बारे में मैं आपको कभी अदर वीडियो में बता दूँगा। आप पीछे की तरफ भी यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि ये एक तरीके का मिनी कंप्यूटर होता है जिसपे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि बिगलबोन ब्लैक क्या है। ये एक तरीके का एम्बेडेड सिस्टम ही होता है, जो आपके आर्डिनो होता है और भी अदर एम्बेडेड सिस्टम होता है, उनसे सबसे अच्छा होता है, सबसे पावरफुल होता है। इसको बोलते हैं हम बिगलबोन ब्लैक। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।